आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करेंगे। देखिए डेवलपर टैब में जब जाएंगे या व्यू में ही आपको यहाँ पे माइक्रो में रिकॉर्ड माइक्रो मिलता है। हालांकि कल मैंने आपको छोटी सी इसकी झलक बताई थी, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड माइक्रो होता क्या। रिकॉर्डिंग माइक्रो होता है कि आपके माउस और कीबोर्ड एक्शन को कन्वर्ट करता है आपके वीवीए कोड में। जब मैं इसको रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करके जस्ट ओके करूंगा, और करने के बाद से मान लीजिए कि मैंने M1 में लिख दिया पूजा और स्टॉप कर दिया, तो आप माइक्रोस के अंदर में माइक्रो वन को सिलेक्ट करके जैसे एडिट करेंगे, एडिट करते यहाँ पे दिखेगा आपको पूजा। ठीक है, क्या दिखेगा? पूजा। तो ये प्रोग्रामिंग हम जो है हम आपके आपके लिए नोट कर दिया। तो इसने क्या किया कि माइक्रो ने आपकी प्रोग्रामिंग लिख दिया, आपको जो मैंने M1 पे क्लिक करने का जो प्रोग्रामिंग था वो यहाँ पे उसने कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम में अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ रन करके पूजा लिख देगा। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो ने भी वीवीए प्रोग्रामिंग का ही यूज किया है जो कि मैनुअली हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि ये वाओ खुशी की बात है कि हमारे पास एक ऐसा टूल है जो खुद ब खुद माइक्रो कर देता है। अब खुद ब खुद जब माइक्रो कर रहा है तो फिर हमें सीखने की क्या जरूरत है? सर जी सर, हमें सीखने की क्या जरूरत? तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि जो खुद ब खुद आपको जो माइक्रो कर बना रहा है इसकी एक लिमिटेशन है। जैसे कि वो M1 पे ही अभी पूजा डालेगा तो डालेगा, वो M2 पे नहीं डाल सकता, चाहे M3 पे नहीं डाल सकता, फिक्स हो गया सर। जब तक ये प्रोग्रामिंग में चेंज ना हो, डायनेमिक नहीं है, रिपीटेशन नहीं हो सकता, कनेक्टिविटी नहीं हो सकता, लूपिंग नहीं लग सकती वगैरह वगैरह। जैसे कल हमने लूप लगा दिया था, उस तरह की लूपिंग नहीं लग सकती है। तो आखिर इस रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल क्यों, क्यों क्या होता है और क्यों होता है? देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो की इस दो तरह से आप करते हैं। अगर आप लर्निंग पीरियड में है तो इसको एज ए डिक्शनरी, जैसे कि आपको पेस्ट स्पेशल का कल बताया था आपको, अब पेस्ट स्पेशल का कोड पता नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ रिकॉर्ड पे जाइए एंड ओके, इसको कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया राइट। अब जाके देखिए यहाँ माइक्रो टूल में एडिट कीजिएगा तो यहाँ आपके पेस्ट स्पेशल का कोड मिलेगा, आप यूज कर लेंगे। क्योंकि तो शुरुआत में आप इसे इंग्लिश सीखते थे तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भूल जाते थे ना, तो एक तरह से ये देखिए कि आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, बीवीए डिक्शनरी समझ लीजिए। होता था ऑक्सफोर्ड, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी। ओके जी सर, लेकिन अब यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर मान के मैंने वीवीए सीख गया तो इसका कोई यूज नहीं करूंगा, या आप तो यूज नहीं करते होंगे। देखिए मैं भी यूज करता हूँ इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, माइक्रो चाहता हूँ कि मेरा जो ये डेटा आपको दिख रहा है ना, ए से लेके एफ तक का जो डेटा है, मुझे क्या करना है कि एक ऐसा माइक्रो बनाना है जब मैं रन करूँ तो मुझसे पूछे नेम, मैं नेम डाल दूँ या सिटी पर से सिटी डाल दिया तो उसी पर्टिकुलर सिटी का डेटा एक नई फाइल पे कॉपी पेस्ट कर दे और सेव कर दे। समझ गए कि बार बार मुझे डेटा को निकाल के भेजना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक बन जाए ताकि उसको हम भेज दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो
तो चलिए माइक को रिकॉर्ड करते हैं। माइक को रिकॉर्ड कर लिए और यहाँ पे हम आते हैं होम, सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, सॉर्टिंग अप्लाई माउस से तो काम नहीं कर रहा, फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ से हम पूजा गए, मान लीजिए अजीत को सिलेक्ट कर लिया। अब जो सिलेक्शन होगी वो माउस से सिलेक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि माउस का सिलेक्ट कीजिएगा तो एक फिक्स एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो सिलेक्ट करते हैं। और फिल्टर डेटा है तो डायरेक्ट हम कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करने से पहले हम जाएंगे फाइल एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम विजुअल सेल्स ओनली, मैंने कॉपी किया। अब मेरे पास ऑलरेडी सीट 3 है, लेकिन मैं सीट 3 पे डेटा नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा एक नई सीट ऐड करूंगा, उसमें डेटा पेस्ट करूंगा, फिर सीट का नाम लिखूंगा अजीत। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीट हर बार सीट 3 होगा इसकी गारंटी थोड़ी है, हमने नया सीट इंसर्ट करने का कोड बना दिया। फिर राइट क्लिक करके मैं इसको करूंगा मूव एक नई फाइल। अब इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा एक पर्टिकुलर लोकेशन अजीत के नाम से, ठीक है, और फाइल क्लोज किया। अब यहां डेटा शीट पे गया और फिल्टर हटा दिया, स्टॉप। अब इसकी प्रोग्रामिंग जो बनी है उसको चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मैक्रोस 3 में गए। अब ये प्रोग्रामिंग बन तो गई है लेकिन ये प्रोग्रामिंग सही से वर्क नहीं करेगा। अब जैसे कि यहां A1 डॉट सिलेक्ट हुआ, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, ठीक है। अब हमने फिल्टर क्यों डिलीट किया, क्योंकि यहां भी फिल्टर लग रहा है। अब जानते ही है ना सर कि आप एक्सेल सीट में अगर दो बार फिल्टर लगाते तो एक बार अप्लाई होता है और एक बार डिसअप्लाई होता है, तो दो बार फिल्टर लगेगा तो क्या हो जाएगा सर, डिसअप्लाई हो जाएगा ना, क्या सर? राइट। चलिए उसके बाद यहां पे देखिए एक एरिया है A1 से 4146, लेकिन मैंने एरिया को सिलेक्ट नहीं किया था ना, हमने तो यहाँ पे कर्सर लगा के जो फिल्टर लगा दिए थे, तो ये ऑटोमेटिक एरिया ले लिया, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरिया को डिलीट कर रहा हूँ, A1 लगता हूँ ऑटोमेटिक रीजन से वो फिल्टर लगा दे। कॉपी किए, यहाँ पे सीट ऐड हुआ, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट हुआ, सीट 1 डॉट सिलेक्ट। अब यहाँ पे गड़बड़ है, जब सीट ऐड हुआ तो वो आपका सीट 1 नाम था, लेकिन जरूरी थोड़ी होगा हर बार सीट 1 ही होगा, सीट 2 हो सकता है, सीट 3 हो सकता है। क्या राइट इसको डिलीट करते हैं, एक्टिव शीट को सिलेक्ट किया और यहां इसको पेस्ट कर देते हैं। एक्टिव शीट डॉट नेम यहां पे अजीत हुआ, क्योंकि जो सीट ऐड होती है वो एक्टिवेट होती है ना सर, और यहां भी एक्टिव शीट डॉट मूव इसको डिलीट कर दे। मतलब हमने क्या किया, सम प्रोग्रामेशन लाइन को डिलीट कर रहा है। अब मेरा मैक्रो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, रन करेगा, लेकिन वही है ये हर बार अजीत का ही सीट बनेगा देगा, तो मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा ना करे, हर बार अजीत का सीट ना दे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स एक लाइन ऐड कर देते हैं, एंड इक्वल टू इनपुट
बॉब्स, ये जो पॉपअप आता है ना उसका कोड एंटर नेम। और एन क्या है, एन एक वेरिएबल है, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो इसे में है। तो इनपुट बॉक्स क्या करेगा कि जो नाम डालेंगे वो एन के ऊपर स्टोर कर देगा, और जहां जहां हमें नेम चाहिए है वहां वहां पे एन डाल दीजिए जस्ट। और यहां डायरेक्ट एन करेंगे तो एन नाम का दे देगा, क्योंकि वो ब्रैकेट में है, इसे इन्वर्टर कॉमा के अंदर है, तो हम इसको कॉनकेट कर देते हैं, मतलब कि ज्वाइन कर देते हैं। समझे? यस यस हाँ, और समझ आ गया? बेसिकली एन इज रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे इनपुट में जो भी दे रहे, अजीत हो या फलाना निमकाना जो भी दे हाँ रहे वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा जी। अब मैंने, अब इसको रन करना है माइक्रो थ्री को, नाम पूछ रहा है, तो इस बार मैंने देव दे दिया एन ओ पे। अब आप जाके देखेंगे डी ड्राइव में देव नाम का फाइल क्रिएट है, ई ड्राइव में था सॉरी, हाथ हमारा। गया सर? हेलो सर, आ गया आ गया। तो हाँ इसमें ऐसा इसमें ऑप्शन भी हो सकता है कि ये खुद से ही नाम ले ले जितने भी आ रहे हैं। तो उसका उसके हिसाब से कोड देना होगा ना। अब यहाँ जो कोड लिखेंगे अच्छा वही होगा ना सर। ये आप लोग एक वो एक देखते थे क्या बोलते हैं, एक धारावाहिक आता था सब टीवी पे, चिड़ियाघर। चीज़ तब चिड़ियाघर एक सीरियल आता चिड़ियाघर एक था सब धारावाहिक एक टीवी, सीरियल आता था सब टीवी पर, नहीं मैंने नहीं देखा। शायद नहीं देखा। चिड़ियाघर जो था, चिड़ियाघर के अंदर में एक गधा प्रसाद नाम का कैरेक्टर था, उसमें जितने भी आदमी थे ना सबका नाम किसी न किसी जीव जंतु पे ही था, उसमें एक गधा प्रसाद था। उसको वो उतना ही काम करता था जितना उसको कहा जाता था। जैसे आपने बोला कि पानी लेके आओ, तो सिचुएशन देख के नहीं समझता था कि बंदा बाहर से आया है पानी पीने के लिए मांग रहा है, या कपड़ा वपड़ा धो लेकर तैयार है और नहाने के लिए बाल्टी में पानी मांग रहा है। तो वो क्या करता था, जब पीने के लिए पानी मांगा जाता था तो बाल्टी में लेके आया था, तो उसमें डायलॉग करता कि बाल्टी में पानी में क्या करूं मैं, सर पे डालू तो नहीं, ये बाल्टी में पीने के लिए मांगा था पानी, ये बाल्टी में क्यों लेके आया। तो गधा प्रसाद रिप्लाई करता था इस बाल्टी का पानी है क्या करूं, तो गुस्से में बोलता था सर पे डाल दे, वो सच पे लेके सर पे डाल देता था। तो सेम लाइक वीवीपी, इसको जितना आप इंस्ट्रक्ट करेंगे वो उतना ही काम करेगा, वही काम करेगा, जो आपने इंस्ट्रक्ट नहीं किया है वो काम नहीं करेगा। तो मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया है कि इनपुट बॉक्स एक नाम को ले और उसको डेटा को फिल्टर करे, कॉपी करके उसको नई फाइल में डाले। तो जो इंस्ट्रक्ट किया है वही होगा ना। अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं कुछ और इंस्ट्रक्ट करूंगा। और जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ द रिकॉर्डिंग माइक्रो आफ्टर द लर्निंग वीवीए, तो आप वीवीए सीखने के बाद इसका यूज क्या कर सकते हैं। जैसे मैं इसका यूज करता हूं, इसका बेनिफिट मुझे क्या बेनिफिट मिला कि इतना सारा प्रोग्रामिंग करने से बच गया ना मैं, टाइपिंग करने से, पहली चीज। दूसरी, अगर मान लीजिए किसी चीज का, मान लीजिए कि सिलेक्ट स्पेशल का कोड पता नहीं था तो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो अब हमें जस्ट कोड को पढ़ना, आप कोड को पढ़िए, आपको क्या लग रहा है कि सिंपल लैंग्वेज है, आप पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे क्या, क्या लग रहा है हाँ अभिजीत जी, कोई ऐसा लाइन है जो आप नहीं समझ सकते हैं, बताइए। नहीं नहीं ये तो इजी है, इजी सारा इजी है, सारे को सारे मतलब हम बेसिकली स्क्रीन में जो कर रहे हो सारे को सारे रिकॉर्डिंग करके देते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ इसमें मुझे जो लगता है एक डिमेरिट्स ये है, डेफिनेटली मेरिट्स सारे ये है कि सारे को सारे आपको पता चल जाएगा कोर्स वगैरह जहाँ पे। बट ये लेट से कभी कभी जो एक लाइन में हो सकता है इसमें तीन चार लाइन में लगता है। हाँ, इज इट कि अब हाँ एक एक चीज है, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे एक करना है, अलाइनमेंट करनी है या मर्ज करना है, ठीक है ना, तो मर्ज के लिए कि हम लिखेंगे रेंज रेंज डॉट मर्ज। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग माइक्रो करते हैं और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो इसका कोड देखिए क्या जनरेट हुआ, दिख रहा है क्या सर आपको?
हेलो, जी सर, हाँ जी सर, जी सर दिख रहे हैं। ये लाइन आया। ऐसा क्यों होता है पता है? देखिए ये एसिकली सिस्टम जनरेटेड है। क्या है? सिस्टम जनरेटेड है। सिस्टम जनरेटेड, और ये एक प्लेटफॉर्म को, एक एक सिस्टम लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। समझ गया? और समझ जैसे गया। मान लीजिए आपको अपने बॉस को एक लेटर लिखना है, सॉरी बॉस से आपको छुट्टी चाहिए, तो आप जो है कमरे में घुसते ही थोड़े बोलेंगे कि श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, सविनय निवेदन है क्या? ऐसे बोलेंगे? केजरी बोलेंगे बॉस कल छुट्टी चाहिए फलाना काम था। बॉस बोलेगा राइट। ओके, या बोलेगा ठीक है एप्लीकेशन दे दे। अब एप्लीकेशन देने की बात आएगी तो एप्लीकेशन में थोड़ी लिख के देंगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए फलाना काम है। जो एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप उसकी जो सिस्टमेटिक लैंग्वेज है उसको फॉलो करेंगे ना। राइट राइट हिंदी में राइट लिखेंगे तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, इंग्लिश में लिखेंगे टू द मैनेजर फलाना कंपनी फलाना लोकेशन, सब्जेक्ट फॉलो राइट करेंगे ना सर। राइट राइट हाँ उसी तरह से आपका रिकॉर्डिंग माइक्रो सिस्टम लैंग्वेज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? सिस्टम सिस्टम लैंग्वेज है लैंग्वेज। जो लेकिन जब प्रीडिफाइंड जो हम ऑलरेडी होके रहा प्रोग्रामिंग है। करते हैं तो हम सिस्टम लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। हम जितना जरूरत है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जितना जरूरत राइट है उतना ही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए इससे पहले का जो भी उसने कोड लिया है और डिफॉल्ट लिया है, फॉल्स 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 आ रहा है ना सर, और डिफॉल्ट होता है। राइट तो हम इसको ना भी दे, सिंपल सा सिलेक्शन डॉट मर्ज दे दे, फिर भी हमारा मैक्रो वर्क करेगा। कर जाएगा। समझ गए? समझ गए समझ गए। चलिए अब बात इसमें करते हैं जो एक छोटा माइक्रो सा हम कोड करेंगे और माइक्रो जो बनाएंगे उसको रन कैसे करेंगे। तो आप लोग रन करने की क्या जरूरत है सर? माइक्रो जो जाके यहाँ रन कर देते हैं, और वो तो ठीक है। और क्या क्या तरीके हैं? अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते समय शॉर्टकट भी दे सकते हो। क्या मैंने रिकॉर्ड कर लिया था शॉर्टकट नहीं होगा, मैंने कोडिंग किया शॉर्टकट नहीं होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। आपको इस पे क्लिक करके यहाँ ऑप्शन पे जाके यहाँ शॉर्टकट दे दीजिए। ठीक है, ओके। ये या शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट है वो उसके लिए है ना, रन करने के लिए अलग अलग जो मैक्रो को। हाँ रन करने के लिए, या फिर आप जो है डेवलपर टैब में आपके सामने इंसर्ट के अंदर क्या होता है, बटन्स होता है। तो ये वाला बटन्स मत लीजिएगा, ये ऊपर वाला बटन्स को जैसे ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ करते ही पूछेगा असाइन मैक्रो। आप अपना मैक्रो असाइन कर दीजिए। अब क्लिक करके बटन का नेम चेंज करना चाहते हैं तो नेम चेंज कर दीजिए। अब मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा रन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा मैंने अगर कोई डिजाइनिंग बटन लिया हो, ऐसे इंसर्ट करके हम लोग लेते हैं स्टेप्स वगैरह या बटन्स वगैरह, या फिर हम कोई इमेज वगैरह कॉपी करके ले आते हैं, हम चाहते हैं इस पे रन हो, तो राइट क्लिक कीजिए असाइन मैक्रो और यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, मैं मैक्रो रन हो जाएगा। समझ गए? तो डन, समझ गए। अभी आपको क्या करना है, अभी आप सबसे पहले कि अलग अलग जो ऑप्शंस है उनको रन करके उनकी कोड को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर छोटे छोटे काम को रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्ड की गई कोड को थोड़ी सी चेंज करके ऑटो करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ द मैक्रो। जैसे आपको गाड़ी चलानी है तो थोड़ी है कि डायरेक्ट लेंगे और किसी ने लाइफ में कभी गाड़ी देखी नहीं है और उसको बोला स्टेयरिंग में बैठा चलो गाड़ी चलाओ, क्या पहले वो गाड़ी को देखेगा, समझेगा, थोड़ा सा फील करेगा 2-4 10 दिन, देन आप उसको करेंगे चलो सिखा देते, क्या? एग्जैक्टली। पहले यूज्ड टू होगा, देन ओनली आई मीन। हाँ,
इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो को छेड़छाड़ करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप उनकी कोडिंग से अवेयर हो जाए, यूज टू हो जाए, ठीक है ना, या उसकी जी सर, अवेयरनेस आ जाए। समझ गए? ठीक है सर।